स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर से और फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम। इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे आज सेल क्या है, सेल किस तरह से हमारी बॉडी की बनाता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है सेल, क्या है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल क्या है। तो सेल जो है एक बुनियादी इकाई है हमारे जिस्म की। एक बुनियादी इकाई क्या है सेल, ठीक है। जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह से ली जाती है, आपने एक बिल्डिंग को देखी है, सामने आपको दीवार नजर आ रही है, ठीक है। ये दीवार जो है इसी तरह से काफी ज्यादा दीवारें मिलके पूरी बिल्डिंग बन जाती है। इस पूरी दीवार की बुनियाद क्या है, इस दीवार की बुनियाद एक ईंट है। जैसे एक ईंट ने पूरी दीवार बनाई है, इसी तरह हमारे जिस्म की जो बुनियाद है, हमारी जिंदगी की जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी एक पूरा जानदार बना देते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेल जो है वो अपना रोल प्ले करता है। पहले देखें, ये एक मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई है, इसे देखें। देखा कभी आप लोगों ने, बिल्कुल उसी तरह का जो है वो सेल नजर आया था जब फर्स्ट टाइम जो है
उसने बारीक बारीक छोटे छोटे साफ में देखी, जैसे कमरा नंबर साफ में अगर आप देखें ना वो शहद की मक्खी का छाता बिल्कुल उसी तरह का जो है वो सेल नजर आ रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो रॉबर्ट हुक जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया। किस डेट में? 1665 में। ये एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे। उसके बाद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या है? पेज नंबर 5 पे आ जाए आप लोग, हम एक दफा रीडिंग कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप एक साइंसी आला है जो इन छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो आम आंख से देखी नहीं जा सकती। जब हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो वो बड़ी नजर आती है। हमारे स्कूलों में लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है। ये माइक्रोस्कोप इमेज दिखाने के लिए रोशनी इस्तेमाल करती है। लाइट माइक्रोस्कोप में बेस, एक बाजू, एक ट्यूब, एक स्टेज और दो एडजस्टमेंट सिक्यूज होते हैं, क्योंकि दूसरी क्योंकि दोनों सिरों का लेंथ नस्को होते हैं। ट्यूब का वो सिरा जिससे हम किसी जिस्म का मुशाहिदा करते हैं, आईपीस कहलाता है जी। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं हमें ये लोग कि जब माइक्रोस्कोप जो हम यूज करते हैं स्कूल में, लेबोरेटरी वगैरह में, हम वो लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप कॉमनली जो है वो यूज हो रही होती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिए स्कूल कॉलेज के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज्यादा जो है अच्छी क्वालिटी की माइक्रोस्कोप होती है, वो कई हजार गुना जो है सेल्स को बड़ा करके दिखाती है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नस्बत कम होती है। अब इसमें बताया कि माइक्रोस्कोप के कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक बेस होता है, एक बाजू होता है, एक ट्यूब, एक स्ट्रेट वो एडजस्टमेंट सिक्यूज होते हैं कि आपके बुक के ऊपर माइक्रोस्कोप बनी हुई है, इसके ऊपर सारे पार्ट्स जो हैं वो लेबल हुए हुए हैं। ये आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। मुशाहिदा किए जाने वाले जिस्म के करीब का लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। नीचे से एक मिरर की मदद से जिस्म में से रोशनी गुजारी जाती है। मुशाहिदा किए जाने वाले जिस्म को एक शीशे की स्लाइड पर रखकर स्टेज पर रखा जाता है। दो एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से माइक्रोस्कोप में जिस्म को वाजिया करके दिखाया जाता है। अब ये देखिए, ये स्टेज है माइक्रोस्कोप का। इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे जो है हम स्पेसिमेन यानी कोई भी चीज जिसको हम देखना होता है वो रखते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस अब क्या काम करता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। नीचे की तरफ ये मिरर लगा हुआ है, मिरर से रोशनी जो है वो स्टेज पे पड़ती है और ये वाजा तौर पे नजर आता है। अब ये दो एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, ये स्क्रूज क्या करते हैं, इन स्क्रूज की मदद पे हम इन लेंस को सेट करते हैं स्टेज के ऊपर, ताकि हम इजीली जो है अपने स्पेसिमन को या कोई भी चीज जो हमने यहाँ पे स्टेज पे रखी हुई है जिसकी हमने स्टडी करनी है हम आसानी से कर सकें। ये आर्म जो है ये भी हम मूवेबल होता है, इसको हिला के हम सेट कर सकते हैं और अपना स्पेसिमन हम सही से देख सकते हैं, ठीक है। और ये बेस है, ये बेस जो है इसके ऊपर जो है ये माइक्रोस्कोप सारी सेट हुई हुई होती है, ये डिफरेंट पार्ट्स है इसके। अच्छा, अब हम इसकी मजीद स्टडी कर लेते हैं। हम जिस्म को इसकी असल जिस्मत से 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ज्यादातर सेल्स इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप के बगैर देखे नहीं जा सकते। बायोलॉजिस्ट सेल के अंदर देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या सेल्स के अंदर अगर देखना हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोस्कोप के बगैर जो है हम किसी भी चीज का कोई भी सेल है उसका अंदरूनी मुशाहिदा नहीं कर सकते। उसके बाद स्लाइड क्या है, अभी मैं आपको बता रही हूँ। स्पेसिमन जो है, स्पेसिमन वो चीज होती है जिसको हमने देखना होता है, और स्लाइड क्या होती है, इस तरह से स्लाइड बनी हुई होती है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम कि स्लाइड क्या होती है जी। ये देखिए, स्लाइड शीशे का एक मुस्तकील टुकड़ा होता है माइक्रोस्कोप में मुशाहिदा करने के लिए, जिस्म को इस पर रखा जाता है। अब ये देखिए, ये शीशे का मुस्तकील नमा एक जिस्म बना हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, इसके ऊपर कोई भी चीज हमने स्किन सेल भी अगर देखना हो हमने तो वो वाला सेल उतार के यहाँ पे रखते हैं यहाँ, और इसको फिर माइक्रोस्कोप
सेट किया जाता है ताकि साइड के ऊपर कोई भी हमने जो चीज रखी हुई है उसकी डिटेल हम स्टडी कर सकें। तो आज जो हमने पढ़ा सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, हमारी बॉडी की कंस्ट्रक्शन कैसे सेल से हुई है और माइक्रोस्कोप क्या है, स्लाइड क्या है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप लोगों को बहुत सही से जो है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज करने वाला काम ये है कि आपने डिटेल से इसकी स्टडी कर लेनी है और सही से आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।